हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, और मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास कम से कम समथिंग 15 दिन का और टाइम लगेगा। मेरा इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से एक बार पेंटिंग वगैरह हो रहा है और डिजिटल पैनल भी लग रहा है इस पर, हमारा 75 इंच का पैनल लगने जा रहा है इस पर। और इसी के साथ मैं 15-20 दिन से इसमें बिजी था, इस कारण से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और एक चार्जर आया हुआ है मेरे पास, ये देखिए SMPS चार्जर है, 48 वोल्ट 15 एम्पियर का, ये लिंक पावर के नाम से आता है, DC आउटपुट लिंक SMPS चार्जर लिंक पावर के नाम से आता है, ठीक है। तो ये चार्जर मेरे पास, ये PCB मैंने निकाल के रखा हुआ है, और इस PCB को हम रिपेयर करने वाले हैं आज, और इस PCB को हम रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग DJ का काम करते हैं तो DJ का मैग्नेट मशीन जो है, मैग्नेट चार्जिंग है, जैसे कि आपका कोई भी 12 इंच 15 इंच 18 इंच का जो साइज होता है, वह मेरे पास सभी चार्जर उसका अवेलेबल है, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा वॉच नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि प्रॉपर तरीके से ऐसे इसको कैसे रिपेयर किया हूँ, कहाँ से क्या फॉल्ट है, A to Z एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। ये नहीं है कि पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइव देखिए इसमें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा क्या करता हूँ, देखिए पहले सबसे पहले इसमें फॉल्ट क्या है मैं बता दूँ। यहाँ पर जो ये एक रिले है, यहाँ पर 12 वोल्ट की, यह रिले हमारे को क्या है कि यहाँ पर जो रिले है वो रिले पे हमारे को वोल्टेज नहीं बन रहा है, जिसके लिए मैंने एक यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस और एक 12 वोल्ट का जीनर जो लगता है, इसको मैंने निकाल कर चेक किया है। पहले ये लगा था यहाँ पर, और 12 वोल्ट का जीनर तो इसका पहले ख़राब ही हो चुका था, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो इसी के ऊपर आज टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। तो इसका मैं दूसरे चार्जर के ऊपर एक बार आप लोगों को PCB में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लगा होता है। देखिए तो ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पेचकस से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके साथ में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, और एक IN चार्जर 7 का डायबोर्ड और एक 12 वोल्ट का जीनर लगा है, ठीक है। ये डायबोर्ड यहाँ पे जीनर लगा है, यहाँ पर देखिएगा इस PCB में मैंने इसको निकाल रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है इसमें, देखिए इस PCB से मैंने यहाँ से निकाल रखा है। अब इसको मैं लाइव लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये 12 वोल्ट की जगह क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको टाइम वेस्ट करते हुए ना मैं लगा लेता हूँ तुरंत ही, और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, हो सकता है कि 20-30 मिनट का हो, क्योंकि रिपेयर करूँगा मैं तो भाई टाइम तो लगता ही है, सीधी बात है। अगर जल्दी हो तो भाई क्विट कर दीजिए वीडियो से, लेकिन अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो देखिए, इसको देखिए यहाँ से निकाल लिया मैंने, देखिए इसको भी हमने निकाल लिया है। डीसोल्डरिंग पंप से मतलब, कहने का मतलब है कि इसका जो प्रिंट है उसको निकाल लेते हैं। 12 वोल्ट का जो जीनर है ये भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद देखिए, ये 1K का हमारा रेजिस्टेंस है, अगर एक्जूम और UTL का कोई भी सामान खरीदना है तो डायरेक्टली आप मुझसे खरीद सकते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि सर हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आया कीजिए, तो देखिए मैं आ जाता हूँ, हो सकता है चेहरा अगर आ रहा हो तो देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दोबारा से मैंने कैमरे को सेट कर लिया, यहाँ पर इसको मैं रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, ठीक है। आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए सब मिलेगा मेरे पास, आप आइए और कोर्स कीजिए और ले जाइए। मेरा जो कोर्स का फीस है, 1 महीने का कोर्स है, रहना खाना प्लस कोर्स भाई 20,000 रुपये है, ठीक है जी। अगर इससे सस्ता कोई कराए तो मुझे ज़रूर बताइएगा जी, हाँ इससे सस्ता भी कोई करा रहा है, जिसमें से रहना भी है, खाना भी है और प्लस कोर्स भी है। रहने के लिए फैसिलिटी बहुत जल्दी मैं रूम वगैरह आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं रूम आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर। और साथ ही साथ
खाने का जो प्रोसीजर है वो अगर आप पार्टनरशिप में खाना बना के खा लेते हैं तो 20,000 में हो जाएगा, अगर टिफ़िन वगैरह चाहिए तो 21,800 रुपये जाएगा टोटल पूरा कंप्लीट A to Z खर्चा। मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा लिया है, साथ ही साथ इसे जीनर को भी लगा रहा हूँ मैं, देखिए इस जीनर को भी लगा रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी, मैं इसको स्किप करके नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसके आगे भी काफ़ी लंबी वीडियो होगी ये। और बहुत जल्दी मैं DJ के लिए मैग्नेट चार्जर जो है वो भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ मैं अपने इंस्टीट्यूट का एक एक चीज़ दिखाऊंगा, किसी ने नहीं दिखाया ना लेकिन मैं दिखाऊंगा एक एक चीज़, कैसे रूम की फैसिलिटी है, कैसा क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा A to Z, मतलब कि पूरा भंडा फोड़ बताऊंगा आप लोगों को जो भी है बहुत जल्दी। तो हम फटाफट से इसको जीनर को सेट कर लेते हैं, देखिए ठीक है मैं इस जीनर को सेट कर लेता हूँ, और इसको मैंने देखिए लगा लिया है जीनर को, और इसको सोल्ड कर देता हूँ। सोल्डर 60 वाट के आयरन से करिए, अच्छा होता है, 125 वाट यहाँ नहीं लगाना है आप लोगों को क्योंकि हीट ज़्यादा होता है वो। देखिए हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, और देखिए यहाँ पे अब मेन शुरुआत यहीं से गेम होता है सारा कुछ, जिसमें प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करूँगा आप लोगों को वोल्टेज चेक कराने के लिए। देखिए पहले DC मैं 200 सेट पर वोल्ट पे सेट करता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पर ये बैटरी का जो कॉमन तार है और ये हमारा यहाँ प्लस तार है, तो पहले इसका वोल्टेज दिखाता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। देखिए ये माइनस और प्लस वोल्टेज देखिए यहाँ पर 49.6 आ रहा है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने जीनर लगाया था वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कितना वोल्ट आ रहा है, तो भाई इसका जीनर का वोल्टेज है वो मैं देखूंगा यहाँ पर, तो देखिए ये भाई 29 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, जबकि 12 वोल्ट का जीनर लगाया ससुरा 29 वोल्ट कैसे आ रहा है, जबकि 1K का रेजिस्टेंस भी हमने नया लगाया, जीनर भी हमने बिल्कुल नया लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के साथ यहाँ पर भाई 29 वोल्ट आ रहा है, जबकि 12 वोल्ट का हमने जीनर लगाया है और 29 वोल्ट कैसे आ रहा है। अगर इसके 35-25 IC की वोल्टेज हम चेक करें तो जर्नली बात है 35-25 का भी वोल्टेज हमारा कम आएगा, 13 और 15 नंबर पिन वोल्टेज चेक करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पे भी 26 आ रहा है, ठीक है। इसकी किसी भी पिन पर मैं देख रहा हूँ ना, तो देखिए 35-25 का मैं जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, किसी भी पिन पर चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज एक ही जैसा दिखा रहा है, देखिए देख लो सही से ग्राउंड किए हैं और किसी भी पिन पर लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी उतना ही आ रहा है, और देखिए यहाँ लगाए यहाँ पर 1 नंबर पिन पर भी उतना आ रहा है और 8 नंबर पिन पर भी उतना ही आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी पिन पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो 25 ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा है किसी भी पिन पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अब भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इस प्रॉब्लम को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और ऐसा प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारे चार्जर में ग्राउंड लीक होता है, यानी कि ग्राउंड का तार कहीं से हमारा टूटा हुआ होता है, तो ये इस प्रकार का प्रॉब्लम हमारा आता है। अब ये ग्राउंड का तार कहाँ से टूटा है देखिए, इसमें क्या है कि ग्राउंड का तार कहाँ से टूटा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने ग्राउंड इसको कनेक्ट कर रखा है, देखिए यहाँ पे हमने ग्राउंड इसको कनेक्ट कर रखा है और फिर भी हमारा इसमें वोल्टेज कैसे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है 49, और इसे जीनर के पास अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहा है 25-26 के समथिंग मिल रहा है, ठीक है 26 के समथिंग मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जबकि मिलना चाहिए था हमें कितना 12 वोल्ट के समथिंग,
अब 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है और टोटल के टोटल जितने भी पिन हैं यहाँ पर एक नंबर पे या दो नंबर पे या तीन नंबर पर या चार नंबर पे, मतलब कितने भी कोई भी पिन पर अगर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई भी कंपोनेंट पे चेक कर रहे हैं तो भी 25 ही वोल्ट आ रहा है। किसी भी कंपोनेंट पे चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए किसी भी कंपोनेंट पे लगा रहा हूँ, किसी भी रेजिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, तो देखिए 25 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है, देखिए। ठीक है, 25 वोल्ट के किसी भी कंपोनेंट पे हमें 25 वोल्ट की समथिंग मिल रहा है, किसी भी कंपोनेंट पे। अगर अब ऐसा क्यों है, तो अब ऐसा इसमें क्यों है, इसको समझने के लिए हमें देखिए इस ग्राउंड के प्रिंट को ट्रेस करना होगा। देखिए हमारा यहाँ से ये प्रिंट जो है यहाँ पर आया, आने के बाद यह हमारा यहाँ से होते हुए, मतलब पूरी पीसीबी में ग्राउंड है, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन हमने लगाया और कॉमन के ये वाला पिन हमारा देखिए कौन सा है, देखिए ये वाला जो प्रिंट है, आप लोग एक बार देखिए सही तरीके से, ये वाला जो प्रिंट है, मान के चलिए कि ये यहाँ से हमारा कॉमन है ये वाला, और देखिए बीप कर रहा है, तो ये वाला भी पिन भी कॉमन है इसका, ये वाला पूरी देखिए बॉडी का जो है, ये चार्जर का पूरा ग्राउंड एक ही है, ये पूरा हमारा ग्राउंड यही है, लेकिन ससुरा यहाँ पर ग्राउंड ही लीक है। देखिए यहाँ से यहाँ पर बीप नहीं आ रहा है, देखिए रीडिंग आ रही है, जबकि यहाँ से यहाँ पर इसका बीप आना चाहिए। यहाँ पर हमारा लगा होता है सेंट रेजिस्टेंस, सेंट रेजिस्टेंस जो एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। मैं इस चार्जर में आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, तो देखिए ये चार्जर यहाँ से ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड के बाद देखिए यहाँ पर बीप कर रहा है, कर रहा है ना, देखिए यहाँ से यहाँ पे बीप कर रहा है। अब यहाँ से बीप कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पांच रेजिस्टेंस लगा होता है, देखिए यहाँ पर पांच रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है पांच, देखिए ये देखिए पांच यहाँ पर ये लाइन से रेजिस्टेंस लगा है, और ये देखिए ऐसी इसमें फॉल्ट आया है कि पांचों का पांचों रेजिस्टेंस एक साथ खराब हो गए हैं एक साथ। तो लाइव इसको निकाल रहा हूँ और लाइव इसको चेक करा रहा हूँ, लाइव बने रहिए वीडियो पर, मैं इसको निकाल रहा हूँ पांचों के पांचों रेजिस्टेंस को। तो डीसी बंद कर दीजिए, डीसी बंद करने के बाद इसको सबसे पहले हम इसके इंडक्टर कॉइल को निकालेंगे, देखिए देखिए हम सबसे पहले इस इंडक्टर कॉइल को बचा के आराम से निकाल लेंगे। देखिए निकल गया, इंडक्टर कॉइल को इसलिए बचा के निकालने को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो तार हमारा ये 78-12 के लिए निकला होता है, इंडक्टर कॉइल से ही सप्लाई इसकी निकलती है, एमटी से नहीं निकलता है। देखिए ये निकाल लिया हमने बचा के, और उसके बाद ये देखिए इसके नीचे ये रेजिस्टेंस लगी है पाँच, पाँचों के पाँचों ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है, एक साथ ख़राब है, ये सेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं, पाँचों के पाँचों निकालते हैं, और लाइव बने रहिएगा वीडियो पर। अगर नहीं बने तो भाई आपसे ज़्यादा मूर्ख आदमी समझ लीजिए, मैं नहीं कह सकता हूँ किसी को, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा। देखिए एक रेजिस्टेंस निकाला, इस वीडियो को मैं पैसा थोड़ी ले रहा हूं आपसे, कोई इसको भी हम देखिए दो निकाल लिए, ठीक है, इसमें स्कीप नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ में आए, मैं लगा के चला के दिखाऊंगा। देखिए तीन, थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसकी फोल्डिंग है, देखिए पांचों के पांचों रेजिस्टेंस को मैं बाहर निकाल लिया हूं, देखिए आप लोग देख सकते हैं,
मैंने यहाँ पे पांचों के पांचों रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ पे सिंबल भी बना है रेजिस्टेंस का, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और यहाँ पर हमारा इंडक्टर कॉइल लगा होता है यहाँ पर। अगर आपको इसका काम सीखना है तो मेरे पास आप आइए, सारा कुछ A to Z बिल्कुल जीरो लेवल से सब कुछ बताया जाता है। इसका वैल्यू देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए इसका, तो रेड रेड और ब्लैक, मतलब रेड का 2, फिर रेड का 2 और ब्लैक का 0, 22 ओम। 22 ओम्स के 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हैं देखिए, और पांचों को पांचों मैं नया लगा रहा हूँ, और नया लगा के फिर इसका वोल्टेज चेक करते हैं और चालू करके देखते हैं। देखिए तो मेरे पास अभी 22 ओम्स का नहीं है, मेरे पास अभी फ़िलहाल 10 ओम का है। तो 10 ओम का हम 5 लगा के देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम देख लेंगे, और उसमें 10 के हम 4 लगा लेंगे। अगर बराबर एम्पियर कंट्रोल हो जाता है तो पांचवा पीछे से भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि 22 ओम्स का हमारा पैरेलल में लगा था तो वहाँ पे वैल्यूज का कम होगा काफ़ी। ये देखिए यहाँ पर हम 4 लगा के देखते हैं, 10 ओम्स का 4, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट चाहिए डायरेक्टली फ़ोन कीजिए और अपने कंपोनेंट को प्राप्त कीजिए। पहले पेमेंट खाते में डाल दीजिए, यहाँ से आपका माल कुरियर हो जाएगा, 100% पहुँचने की पूरी गारंटी है, ना पहुँचे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को लगाते हैं, लगा के दिखाता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर 4 को लगाया है, पहले 5 था मैं 4 लगाया हूँ, अभी बाद में अगर ज़रूरत होगा तो अभी हम और भी लगा देंगे, एक आध ऊपर से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको देखिए हम सोल्ड कर रहे हैं, देखिए लाइव पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, हो सकता है कि और भी इसके आगे कोई और फॉल्ट निकले और स्किप करके चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेरे पास आइए, सेम इसी तरीके से मैं एक एक चीज़ अपने स्टूडेंटों को प्रैक्टिकल और थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे इंडक्टर कॉइल को लगा दूंगा जिस तरीके से निकाले थे। अब इसमें कमेंट करने वाले कई आदमी कमेंट करेंगे, भाई तुमने जानबूझ के ये वीडियो लंबा किया है, तो भाई अगर आपको लगता है जानबूझ के किया है तो आप स्किप करिए और जाइए, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्टूडेंटों को सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि जो सीखे हुए हैं उनको सिखाने के लिए। आप लोग तो खुद ही महान आदमी हैं, आपको क्या सिखाएगा कोई। जो सीखा हुआ उसको क्या सिखाएगा, ये तो सिर्फ नए स्टूडेंट जो हैं, जो काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जिनको करने की लगन है, उनके लिए वीडियो होती है, ना कि जो कर रहे हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए। उनको तो खुद ही भाई हमसे ज़्यादा वो कहेंगे, अरे सर जी मैं तो आपको सिखा दूंगा। इसको साफ कर लेते हैं, और ये हमने 78-12 के लिए जो तार निकला था इसको भी हम लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि वो बीप की पॉइंट जो साउंड आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे यहाँ से यहाँ पर मैंने चेक करा था, देखिए अभी बीप आने लग गई, देखिए देखिए पहले जो बीप यहाँ पर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड लीक था इसका, मतलब कि ग्राउंड ओपन ही हो गया था पूरा। उसके बाद ठीक है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, 48 वोल्ट सप्लाई, और चेक करते हैं कि वो वोल्टेज जो पहले गड़बड़ बन रहा था वो बना कि नहीं, और ये चार्जर चालू हुआ कि नहीं। देखिए मल्टीमीटर 200 वोल्ट पे सेट करेंगे, सेम मैं चेक कर लूँ, मल्टीमीटर आ रहा है, आ रहा है,
आप चेक किए, देखते हैं प्लस माइनस का वोल्टेज 49, माइनस पे माइनस रखा है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 7.2 वोल्ट बन रहा है, 7.2 वोल्ट बन गया। अब यहाँ पर 35-25 का अगर वोल्टेज मैं चेक करता हूँ तो 35-25 आईसी का वोल्टेज अगर हम चेक करें 13 और 15 नंबर पिन पर, तो भाई यहाँ पर वोल्टेज अब बिल्कुल एक्यूरेट बन गया होगा। देखिए 13 वोल्ट 14 वोल्ट, और किसी भी पिन पर वोल्टेज फालतू नहीं दिखाएगा। देखिए जो जहाँ बनना चाहिए वही वोल्ट बनेगा। देखिए इसको चेक करते हैं कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एम्पियर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एसी कनेक्ट करते हैं, ठीक है एसी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस टच हो गया था, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे डीसी कनेक्ट कर लिया है और इसको अब हम सीरीज में लगा के चालू कर रहे हैं। देखिए मैंने कैमरा हाथ में ले लिया है, सीरीज में लगा रहे हैं इसको। सीरीज में लगाए तो देखिए बल्ब एक बार ग्लो होगा, और इसको हम डीसी कनेक्ट करते हैं। तो देखिए डीसी जब कनेक्ट होता है तो मेरा ये दोनों बल्बियाँ जलती है, ठीक है। तो ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स इसका आता है, ठीक है। तो अभी इसने क्या है, तो यहाँ देखिए हम इसमें डीसी 48 वोल्ट कनेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एसी को सीरीज वाले बटन को ऑन करूँगा तो ये बल्ब एक बार जलकर बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया जलकर सीरीज वाला, और हम डीसी कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे मीटर के ऊपर जो लाल बत्ती है वो जलेगा और सीरीज लोड ले लेगा। तो देखिए इसने लोड ले लिया है, और यहाँ पर अब इसमें देखते हैं मेन में लगा के कि एम्पियर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा सीरीज हो गया, और इधर मेन लगाते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए एम्पियर कंट्रोल नहीं हो रहा, देखिएगा यहाँ पर एम्पियर कितना हैवी जा रहा है। देखिए कि ये देखिए 20 से ऊपर एम्पियर जा रहा है, एम्पियर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जबकि एम्पियर इसका 15 होना चाहिए था। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, पहले कपड़ा मार लेते हैं ताकि नीचे कोई गंदगी वगैरह ना रहे। पकड़िए जी, इधर आके दिखाइए, ये हमारे सुजीत जी कैमरा दिखा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले हमें गंदगी को हटा लेना है, और इसको हम ज़्यादा टाइम ना देते हुए कम से कम समय में इसको सेट कर लेंगे, नहीं तो मॉस्फेट उड़ जाएगा। जर्नली अगर हो सकता है तो यहाँ पर जो 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी थी अगर उसकी वजह से कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखते हैं अभी चालू करके एक बार सेट करके कि एम्पियर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसका एम्पियर क्या किया, देखिए 13 पे कर दिया, हो गया जी सुजीत जी। देखिए थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दिया, देखिए मैंने एम्पियर इसका इस प्रीसेट से एम्पियर कंट्रोल कर दिया। और इसमें क्या फॉल्ट था कि ये दो मैकेनिक के पास से वापस आया था, समझ लिए, मैकेनिकों ने इसमें मॉस्फेट भी निकाल दिया था, टोटल सब कुछ निकाल दिया था इसमें। तो देखिए इसमें टोटल ये 5 रेजिस्टेंस जो ख़राब निकले हैं फ्यूजबल वाले जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट थे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, दिखा दीजिए एक बार कितने एम्पियर पर चल रहा है जी, 13 पे चल रहा है। बंद करके दोबारा चालू करें, बंद हो गया दोबारा चालू करें तो देखिए 13 ही लेगा, पहले कितना ले रहा था 20 ले रहा था। तो ये देखिए आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि ये रेजिस्टेंस ओपन था। अगर आपका इसका काम सीखना है तो आइए और काम सीखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रहा है। और 2-3 दिन में मेरा वीडियो एक और मिलेगा जो डीजे का मैग्नेट चार्जर के ऊपर, और भी कुछ अपडेट बहुत कुछ किए गए हैं, क्लासेस भी हमारा पूरा फाइनल के साथ डिजिटल होने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।